हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट सिकुंड। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे वेबसाइट के बारे में जहाँ से आप किसी मूवी को इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इस चैनल पे काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैंने एक पर्सनल काम था जिसके कारण मैं उसमें बिजी था। अब दोस्तों मैं उस काम से फ्री होने वाला हूँ तो मैं इस चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा या फिर हो सकता है 2 दिन या 3 दिन बाद में एक वीडियो पर अपलोड करूँ। लेकिन दोस्तों उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कोई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है जहाँ पर आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर डायरेक्ट आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को इस समय देख रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि इस समय कौन कौन सी मूवी जो है रिलीज हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी नई नई मूवी रिलीज हुई है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज मूवी देख सकते हैं कि आपको किस कैटेगरी का मूवी देखना है। आप देख सकते हैं एनिमेशन, हॉरर, फैमिली, उसके बाद ड्रामा, कॉमेडी, एलियंस और एक्शन एडवेंचर्स। और उसके साथ दोस्तों यहाँ पे वेब सीरीज़ का भी ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप यहाँ पे नेटफ्लिक्स सीरीज देखना चाहते हैं, फिर अमेजोन प्राइम का जो भी उनका मूवी वगैरह या फिर कोई जो है एपिसोड उनका उस पर रिलीज होता है तो उसको भी आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छा वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जितनी भी नई नई मूवी रिलीज होती है आप यहाँ पे फ्री में जो है उसे यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों डाउनलोड करने का प्रोसेस थोड़ा यहाँ पे अलग है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप किसी मूवी का ऑडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, ड्यूअल ऑडियो, जैसे दोस्तों कोई मूवी अगर इंग्लिश में है उसका आपको हिंदी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डुअल ऑडियो पे उसका उस मूवी को सर्च करके उसका हिंदी यहाँ पे खोल सकते हैं और उसे डाउनलोड करने के बाद उसे मैच करके आप देख सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है। दोस्तों हम यहाँ पे ये जो है टॉय स्टोरी 4 को ले लेते हैं और इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको कुछ स्क्रीन शॉट दिखाए जाएंगे और उसके साथ दोस्तों आपको ऊपर भी यहाँ बताया जाएगा कि मूवी जो है कितने पिक्सल में अवेलेबल है। यहाँ पे 480 पिक्सल है, उसके बाद 720 पिक्सल्स है और उसके बाद यहाँ पे अब नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 2 ही पिक्सल में आपको मूवी यहाँ पे अपलोड मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 480 पिक्सल है कितने एमबी का है और 720 पिक्सल का जो है वो कितने एमबी का है। तो आप अपने अनुसार किसी भी पिक्सल का जो है मूवी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट भी खुल गया है। आप देख सकते हैं कि इस मूवी का कुछ स्क्रीनशॉट लिया गया है और आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है। तो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 480 पिक्सल में ही हम लोग डाउनलोड करते हैं। इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने सर्वर आ जाएगा कि कौन कौन सर्वर पर आप जाएंगे तो ये मूवी मिल सकती है। ये दोस्तों ये काफ़ी इजी है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सोच रहे हो कि काफ़ी प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ होता है जो मतलब काफ़ी इधर उधर, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कुछ आपको लगभग 1 मिनट का टाइम लगेगा इसे डाउनलोड करने में, उसके बाद आप इसे इजी तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये जो है अगर आप 480 पिक्सल में मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये क्या होता है उनका सर्वर जो है ब्लॉक कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मूवी है लीगल तरीके से यहाँ पे अपलोड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप 720 पिक्सल का भी यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको 480 पिक्सल का नहीं मिलता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अभी 480 पिक्सल का जो सर्वर है हमारे सामने भी खुल रहा है और आगे देखते हैं क्या होता है। तो सिंपल दोस्तों मैं जो भी ऑप्शन आता है मैं आपको स्टेप बाई बता रहा हूँ जिससे अगर आप डाउनलोड करना आकर इस वेबसाइट पर कोई मूवी डाउनलोड करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना, जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे आपको यहाँ पे भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आपको 5 सर्वर मिल रहा है, आप 5 सर्वर में से किसी पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाला पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको लगभग 10 सेकेंड का एक टाइमर चलता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह आपको देखने को मिलता है, कभी कभी ऐड नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्लिक कर देना है, जब आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे आपको यहाँ पे भेज दिया जाएगा और यहाँ पे भी आपको क्लिक कर देना है। तो ये काफ़ी ईजी है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब आप एक बार आकर किसी मूवी को ऐसे डाउनलोड करेंगे तो आप इजी तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों फाइनल जो होता है यहाँ पे एक 10 सेकेंड का टाइमर चलता है, उसके बाद जब आप क्लिक कीजिएगा तो एक और जो है दूसरा पेज खुल जाएगा, उसमें एक डाउनलोड का ऑप्शन होता है, वहाँ पर जब क्लिक कीजिए तो फाइनल जो है डाउनलोड होने लगता है।
कभी कभी क्या होता है कि सर्वर जो है उस पर क्या होता है कि उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, या फिर वो काफ़ी उस सर्वर पे काफ़ी लोग उसे डाउनलोड कर रहे होते हैं एक साथ, तो क्या होता है कि सर्वर बिजी होता है, इसके कारण क्या होता है मूवी जो है डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो आप दूसरा सर्वर जो है ट्राई कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, और हमारे यहाँ सामने देख सकते हैं कि नीचे आ जाएगा डाउनलोडिंग का। अब दोस्तों आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं कि जो टॉय स्टोरी 4 है हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होने लगा है, और लगभग ये 6 MB हो गया है, और हम ये बताया जा रहा है कि कितने मिनट में जो ये मूवी है हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। जब दोस्तों ये मूवी जो है हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होने लगेगा, तो ये क्या करेगा कि हमें जो है इस मूवी के मेन सर्वर पे हमें भेज देगा। तो दोस्तों ये दोस्तों यहाँ से आप किसी मूवी को इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं जो मूवी आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई मूवी नया रिलीज होता है, रिलीज होने के हफ्ते या फिर 4 दिन 5 दिन बाद यहाँ पे आपको मूवी देखने को मिल जाता है। तो दोस्त आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में आपको जो जानकारी मैं देना चाहता हूँ जानकारी आपको मिल गया होगा, और आप जो है किसी मूवी को इस तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे और लोगों को पता लगे कि मूवी कैसे डाउनलोड करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।